कितनी शांति है ये इस बात से पता चलता है। खून खराबा या धार में दंगे हो गए होते पर अभी तक ऐसा दूसरी दूसरी बातें करते हैं तो ये हमें स्वीकार नहीं है और ये बिल्कुल अपराध कर रहा है। देशद्रोही अनूप मंडल को के सामने जो दिखने वाले जैन धर्म का नंगा साधु, ये नंगा जो दिखता है वैसा ही नंगा साधु विमल सागर, जो यह जैन धर्म विमल सागर, विमल सागर, विमल सागर। आइए हम सब सामाजिक संगठन है, ये राजस्थान के कुछ इलाकों में पनपा है, बमुश्किल 100 साल पुराना इसका इतिहास है। उत्थान या उन्नति के लिए इसका कोई योगदान दिखाई नहीं देता। 100 साल का इसका इतिहास और 100 साल की इसकी समाज में परस्पर वैमनस्य को खड़ा करने के लिए, लोगों को गलत मार्ग पर धकेलने के लिए इसने प्रयास किए हैं। अनपढ़ लोगों को इसने उलझ रही है। समय समय पर अनूप मंडल ने राजस्थान में अन्य स्थानों में तोड़ फोड़ करने का, जैन साधुओं को गालियां देने या मारपीट करने का प्रयास किया है। कभी कभी उसने संगीता स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सामाजिक प्रीति में, प्रेम भाव में, समाज के उत्थान में, गरीबी को मिटाने में, समाज को जोड़ने में जिस धर्म की शुरुआत जैन धर्म में कितनी शांति है ये इस बात से पता चलती है। धर्म के बारे में मंडल ने कहा नहीं किया जा सकता। आपको नजरों के सामने जो दिखने वाले जैन धर्म का नंगा साधु, ये नंगा जो दिखता है वैसा ही नंगा साधु विमल सागर, जो यह जैन धर्म का दुष्प्रचार चल रहा है वह अब नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया है कि धर्म की आन बान और शान बचाने का। अब हम सब जैनों को एक होकर, अनूप मंडल जो कि जैनों पर झूठे, तब होगा जब हम सब एक होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। विमल सागर, विमल सागर, विमल सागर। आइए हम सब मिलकर एक साथ अपनी आवाज बजाए कार्रवाई करने के लिए। आइए इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े। अनूप मंडल एक असामाजिक संगठन है, ये राजस्थान के कुछ इलाकों में पनपा है, बमुश्किल 100 साल पुराना इसका इतिहास है। भारत और 100 साल की इसकी गतिविधियां ये बतला शांति को तोड़ने के लिए समाज में परस्पर इसने प्रयास किए हैं। अनपढ़ लोगों को इसने उकसाया है, रही है। समय समय पर अनूप मंडल ने राजस्थान में अन्य अन्य स्थानों में तोड़ फोड़ करने का जैनी का प्रयास किया है। एक अनूप मंडल जेड़ा के महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ये सारे स्टेटर के जैन धर्म के अगेंस्ट बहुत गलत खबरें बोल रहा, जिस अज ये मीटिंग रखी गई। साडा धर्म सानू अलाउ नहीं करता, पर कई बार इस तरह होता कि जे असी इन्हां नूं जवाब तां इह वधदे वधदे बहुत ज्यादा अगे चलना शुरू कर देंगे। आ रहा इहदे पिछे कारण की है, जैन धर्म दे लोग है ये बहुत अमीर लोग ने, अज असी सारे लोग जैन समाज के सीनियर जड़े ने लुधियाने इकट्ठे हुए हैं। उसका मेन मकसद है कि एक अनूप मंडल जिहड़ा कि जैन धर्म के अगेंस्ट काफ़ी प्रचार कर रहा है, राजस्थान के महाराष्ट्र, गुजरात के जैन धर्म के बारे साधु संत बहुत गलत प्रचार कर रहा। असी उन्हां नूं जवाब देने लई इत्थे अज जिहड़ी है कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि जेडे वैसे तो जो जैन धर्म है ये अहिंसा का पुजारी है, असी लोग उन्हें कानून के राही जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि कई बार लोग समझते हैं कि शायद ये लोग कमज़ोर ने। जैन समाज बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, असी उन्हों का जवाब बिल्कुल जोर ना देवे। अज तुम देखा कि राजस्थान के महाराष्ट्र के भी इन्हों के अंगेज सारा जैन धर्म जो इकट्ठा होंगे जा रहा, अज पंजाब भी लुधियाने देख रहे हो सारा जैन समाज जो इकट्ठा हो रहा
इन्हों वेट का जवाब पत्थर देवे क्योंकि असं बहुत ही जल्दी कानूनी कार्रवाई करने एक इतने टीम बना रहे हैं, लीगल टीम बननी जा रही है जिड़ी के कमिश्नर जो को जाके इन्हों की एक अभी नाल ही एप्लीकेशन देवे इन उपर परचा कटा की कोशिश करा इदा ही कोर्ट के जावे अलग अलग स्टेट के सीएम को प्रति लैटर भेजा ताकि इन्हों का जोड़ा मंडल है इन्होंने पर बैन लाया जाए इन इमीजिएटली गिरफ्तार किया जाए इन उपर कार्रवाई की जाए क्योंकि जेकर जैन धर्म की गल सीएम जे प्रधानमंत्री ने ना मनी तो सानू सड़क पर आना पड़ेगा जिसकी जिम्मेवारी सारी सरकार की होगी। मैं बेनती करता जैन समाज वालों कि इन्हों बहुत ही जल्दी इन्हों के उपर एक्शन लेना चाहिए राजस्थान सरकार को हिमाचल की अपने पूरे पंजाब की सरकार को ताकि इदा के बार बार ये जैन धर्म के खिलाफ ना बोल सकन। इन्हें ही कहता होया मैं सारे जैन समाज का धन्यवाद करदा जिन्होंने बाहरों आके साडे नाल इत्थे सपोर्ट की है तो सारे जैन धर्म के लोगों को बेनती भी करदा कि असीं बढ़ चढ़ के इस विच हिस्सा लीए ताकि इन्हां दा डट के मुकाबला कर सकीए। मैं विनीत जैन सीनियर वाइस प्रेजिडेंट एस एच जैन महासभा पंजाब उत्तरी भारत प्रेजिडेंट एस एच जैन सभा शिवपुरी। आज हम जहाँ पर मीटिंग कॉल की थी उसके संदर्भ में यहाँ इकट्ठे हुए हैं सारे जैन समाज के लोग। ये जो अनोप मंडल है ये बहुत ही घृणित कार्य कर रहा है, इसकी हम प्रजोर शब्दों में निंदा करते हैं और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। इसके लिए इससे संबंधित जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे राज्य सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार के हों, हमारी और भी सरकारें लगी हुई हैं और भी संगठन लगे हुए हैं इनके खिलाफ। ये जो जैनियों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैन एक हिंसावादी कौम है जो कभी भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर सकती। ये तो न्यायवादी बहुत ही झुकने वाले लोग हैं, हर समय हर चीज़ को मानने वाले लोग हैं, प्रभु भक्ति वाले लोग हैं। तो अगर कोई भी मंडल उठकर हमारे जैन समाज के ख़िलाफ़ कोई भी कार्य करेगा तो इसको सारा जैन समाज कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और ये जो कह रहे हैं ना कि जैन साधु साध्वी बारिश रुकवा देते हैं, कोरोना लाए हैं और भी जो कुसंगतियाँ हैं सारी जैन समाज की तरफ से प्रचलित हैं, तो मैं इनको एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि हमारे साधु साध्वी तो विश्व की भलाई के लिए बने हैं, वो तो सभी का भला चाहते हैं, उनको वो तो घर घर से भिक्षा मांग के लाते हैं। ये लोग तो एसीओ में बैठते हैं, इनको फंड पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं जो ये जैन समाज के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे संगठनों पर तुरंत बैन लगाएं और इनको इन पर बनती कार्रवाई करें। धन्यवाद, जय जिनेंद्र। हाँ जी, ऐसा है जी कि कार्रवाई इन पर सबसे पहले तो मेमोरेंडम दिए जाएंगे कि इनको बैन किया जाए। ये जो जैन समाज के खिलाफ, जैन समाज नहीं, चलो अब ये इन्होंने ये स्टार्ट किया है, कल को किसी और धर्म के खिलाफ भी बोलेंगे जी, कल को और किसी धर्म के खिलाफ जो जो प्रचार करेंगे, तो इससे पहले इनका पहले ही काम खत्म होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं इनको करना चाहिए। इन पर बैन लगाने की मांग करेंगे हम सरकार से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हैं चाहे केंद्र सरकार के, जिनको भी लेटरें डालनी है, कानूनी कार्रवाई करनी है। जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि कानूनी कार्रवाई के मदद से, नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे जी।